अस्सलाम वालेकुम। KF4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 76 बिगेन विद 99 ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अलमाइटी अल्लाह। इस लेक्चर में हम अपने टेस्ट नंबर 5 की डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो टेस्ट है आप अपने सामने रखें, अगर नहीं है किसी के पास है तो शेयर करें, नहीं है तो फिर इधर देखें जी, तो फिर इधर देख लें अगर जिनके पास नहीं है। टेस्ट नंबर 5, आंसर ऑल 6 क्वेश्चंस, आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। डिस्कशन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 1, इन द लाइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872 नरेट द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड अल्ट्रेशन। अच्छा, इस टेस्ट का हमारा सिलेबस क्या था? चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो डिफरेंस क्या है इनोवेशन और अल्ट्रेशन में, कौन बताएगा? बड़ा तो है, हाँ डिफरेंस तो बड़ा है, सही कह रहे हैं। कौन बताएगा दोनों में डिफरेंस क्या है? इनोवेशन किसे कहते हैं? मुझे याद आ रहा है कि ये टेस्ट नंबर, बल्कि नहीं, असेसमेंट में भी ये सवाल टेस्ट हुआ था। असेसमेंट में भी हुआ था ये सवाल, इसने पूछा था कि मैं सारे बता दो, हुआ था ना। तो बता दें कि अल्ट्रेशन क्या है और इनोवेशन क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उसने पूछा है कि डिफरेंस क्या, बीच में लाइन लगा के इधर इनोवेशन और इधर अल्ट्रेशन लिख के बता दें, इतने डिफरेंसेस हैं इनमें, या सिर्फ ऊपर जो है वो इनोवेशन लिखे नीचे अल्ट्रेशन लिखे। 3 नंबर के साथ है इसमें कोई ज्यादा इसके वो पॉइंट नहीं बन रहे कि हम बुलेट्स बनाएं और बीच में लाइन ड्रॉ करें और इस तरफ इनोवेशन लिखें उधर अल्ट्रेशन लिखें, इसकी जरूरत नहीं है। ऊपर इनोवेशन की हेडिंग दें, इनोवेशन की डेफिनेशन लिखें और फिर उसके बाद नीचे अल्ट्रेशन लिख लें। अब इनोवेशन किसे कहते हैं? नोवेशन, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश इन इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और इनोवेशन है तो उसमें पार्टीज क्या होगी? चेंज हो सकती है, मे भी चेंज, जरूरी नहीं है कि चेंज हो। अच्छा, क्या जो इससे पहले इनोवेशन से पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था, क्या पार्टीज वही परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है? इनोवेशन में वो नहीं कर सकती क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब नया कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, उसको डिमांड भी नहीं कर सकती पार्टी। और अल्ट्रेशन में क्या है? अल्टर चेंजेस मटेरियल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में चेंजेस हुई है, पार्टीज भी वही है और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में चेंज हुई है, लेकिन बाकी मामला जो है वो वैसे के वैसे ही है। तो बस सिर्फ ये डेफिनेशन के हद तक इसने पूछा है ये पॉइंट, और ये रिपीट इसलिए हो रहे हैं कि हमने सिर्फ हमारे पेपर में जो है वो केस स्टडी नहीं आएगी, रट्टे वाले सवाल भी हैं, तो डेफिनेशन रिप्रोडक्शन वाले सवाल हैं वो भी हमने याद करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। ऑन 19 जनवरी 2022 PF एग्री टू सप्लाई 500 kg ऑफ स्ट्रॉबेरीज टू NIL। 19 जनवरी को PL ने एग्री किया है कि वो 500 kg ऑफ स्ट्रॉबेरीज NIL को सप्लाई करेगी ऑन 15 फेब 2022 एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू बी पेड इन एडवांस। NIL एग्री टू द कंडीशन एंड पेड द अमाउंट टू PF इन एडवांस ऑन 20th Jan 2022। 19 जनवरी को वो कह रहा है कि मैं आपको इतने पेमेंट करूंगा, यानी स्ट्रॉबेरीज डिलीवर करूंगा 15 फेब को, लेकिन अगर आप मुझे एडवांस पेमेंट करते हैं तो उस केस में, कहता है ठीक है। तो 20 जनवरी को अगले दिन जो है वो पेमेंट लेकर आया। आगे देखते हैं वो क्या कहता है। NIL had a plan to introduce strawberry flavored milk in March 2022। अब वो अपनी प्लानिंग में है कि मार्च 2022 में मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क जो है वो इंट्रोड्यूस करूंगा। ये डेट आ गई ऑन 15 फेब, जिस डेट में उसने कहा था कि मैं आपको डिलीवर करूंगा। PF failed to deliver the strawberries to NIL। उसने डिलीवर नहीं की, माजरत कर ली कि माजरत है यार मैं नहीं कर सका। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू, जिसको चीजें डिलीवर करनी थी, टू है ना, जिसको चीजें डिलीवर करनी थी उसको क्या रेमेडीज अवेलेबल है? ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस दोनों। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, सात डैमेजेस ले लें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले लें। नहीं, लिखना क्या हमने, क्या प्रोविजन क्या बनेगी इसकी, रिलेवेंट लीगल प्रोविजन क्या लिखनी है हमने इसकी, रिलेवेंट लीगल प्रोविजन क्या लिखनी है हमने?
टेस्ट अटेम्प्ट किया है ना, कुछ तो लिखा होगा, तो जो लिखा है वो टेस्ट में लिखा है वही बता दें। तो ये तो आपको याद होना चाहिए ना कि हमने पीछे क्या पढ़ा हुआ है, मैंने क्या लिखा था। आप इसका मतलब आप रिवाइज नहीं करते, कब करेंगे फिर? शुरू करना है ठीक है। अच्छा, इसकी रिलेवेंट क्वेश्चन बनेगी कि टाइम इज एसेंस ऑफ कंटेंट। जब उसने कह दिया कि मार्च 2022 में वो प्लान कर रहा है कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो इसके उसने बताया हुआ है ना जो, तो ये कंपनी है बड़ी कंपनी, वो प्लानिंग नहीं कर सकती? कर सकती है ना, तो प्लानिंग के मुताबिक चलेगी। सेक्शन का प्लान होता है ना कि सेक्शन में कितने लेक्चर होंगे, किस तरह को कितने हमने पढ़ाने हैं, तो क्या हम ये कहते नहीं कि इसको छोड़ो पहले जो आपने प्लान किया वो बताएं? तो आपने तो पढ़ना है नहीं, तो जो हमने प्लान किया उसके मुताबिक तो चलेंगे ना। तो ये हमारी प्लानिंग है, इसी तरह ये कंपनी की प्लानिंग है, ठीक है। कंपनी ने इसको प्लान किया हुआ है। अब जिस डेट पे उसने कहा कि मुझे इस डेट को चाहिए, एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल की कमी है। उसने बताया कि मैं 15 फेब को आपको डिलीवर करूंगा। अगर उसने ये बताया होता कि भाई मुझे मार्क तक चाहिए, तो फिर उसके पास टाइम था, ये वाली बात भी लिख लेंगे। लेकिन उसने खुद कहा कि भाई मैं आपको 15 फरवरी को डिलीवर करूंगा, एग्री टू सप्लाई ऑन 15। ये कॉन्ट्रैक्ट 19 जनवरी को हो रहा है, ये अगले दिन ही कर सकता था कि 20 को वो पैसे दे रहा है और साथ वो उधर से वो ट्रक भर के स्ट्रॉबेरी भी ले आए, हो सकता है ना ये। लेकिन उसने नहीं किया, उसने कहा कि मुझे 15 फरवरी तक टाइम दो, मैं आपको चीज़ें डिलीवर कर दूंगा, आप मुझे एडवांस पेमेंट कर दो। उसने एडवांस पेमेंट की है, अब इसने चीज़ें डिलीवर करनी थी 15 फरवरी को, चीज़ें डिलीवर हो गई, उसके बाद प्रोसेसिंग में भी कोई थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ऐसे तो नहीं है कंट्रैक्ट मशीन में डाली और बस खत्म, फ्लेवर्ड मिल तैयार। तो ये टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल चेंज करें कि ये ठीक है, समझ आ गई। बर्थडे की एग्जाम्पल जो है फेमस एग्जाम्पल है कि हमने उसे कहा भाई केक हमें डिलीवर कर दो इस डेट को, और वो उस डेट पे आके वो कहता है कि छुट्टियां थी ईद की, सो मैं नहीं कर पाया डिलीवर। तो अब क्या उसे कहें कि अगले दिन कर देना, ये हफ्ते बाद एक्सेप्ट फिर भी कर सकते हैं ना, हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, अगले दिन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहें तो ना करें, इसको रिसेंड कर दें। इसी तरह ये चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है कि भाई ठीक है आपने 15 फरवरी को मुझे चीज़ें नहीं डिलीवर की, आप ऐसा करो मार्च में कर दो, 1 मार्च को कर दो। तो ये टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और टाइम भी मेंशन है 15 फरवरी, और उसने चीज़ें डिलीवर नहीं की, तो ये वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी NIL। वो चाहे तो इसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो इसको रिसेंड करे, और वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है अगर वो इसको एक्सेप्ट करता है तो। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पहले नोटिस देना पड़ेगा उसे, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसे बताना होगा इसे कि भाई मैं इसको एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये डैमेजेस भी क्लेम कर रहा हूँ, ये मैं डैमेजेस क्लेम करूँगा, ये भी आपको पे करना है, ठीक है, कोई इशू इसमें? बी में वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ PF ऑफर्स टू डिलीवर ओनली 300 kg ऑफ स्ट्रॉबेरी टू NIL ऑन द ड्यू डेट। उसने एग्री किया था कि वो 500 kg ऑफ स्ट्रॉबेरी डिलीवर करेंगे, लेकिन अब वो 300 kg ऑफ स्ट्रॉबेरी डिलीवर कर रहा है। परफॉर्मेंस कंप्लीट होनी चाहिए फॉर होल, टेंडर मस्ट बी फॉर होल एप्लीकेशन एंड नॉट फॉर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। अगर है तो फिर इस केस में क्या उसे बताएंगे आगे? वाइड वेलेट ऑप्शन ऑफ NIL है, तो ये वैलिड टेंडर ही नहीं है। एग्जैक्टली ये अनवैलिड है, ये वॉइड है, ये वैलिड टेंडर ही नहीं है। वो एक्सेप्ट करना चाहे 300 kg ऑफ स्ट्रॉबेरी को, तो एक्सेप्ट क्या कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता जी? ये अगेंस्ट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस है या ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें जो है वो अनवैलिड टेंडर है, पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को वो एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सवाल क्लियर? ओके, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। इन नवंबर 2021 फरहान, नुमान एंड सलमान
establish a hotel in Swat. For the day-to-day operation of the hotel, they jointly borrowed Rs. 600,000 from Danish for a period of 6 months. Under the provision of Contract Act 1872, discuss the following. Can Danish recover the loan only from Noman on the due date? Yes. जो उन्होंने 600,000 का लोन लिया, क्या दानिश दानिश क्या अब रिकवर करवा सकता है नोमान से ड्यू डेट पे? सिर्फ नोमान से क्या करवा सकता है? करवा सकता है? ये कौन सा केस है? लाइबिलिटी इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसर. हमने दो नंबर के लिए प्रोविजन लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन केस को भी तो थोड़ा सा उसने सीधे ही बता दिया कि इसे पैसे ले रहा है, तो केस के ब्यूटिफिकेशन के लिए हम एक लाइन तो लिखनी है ना, तो इसको कैसे ब्यूटिफाई करेंगे अपने प्रोविजन से? मूल बूटी बना के बताए ना कोई लाइन, कोई कुछ बोले. सुना है जब वो बोलो है तो बातों से बोले यार. बोले ऑल जॉइंट प्रोमिसर अरसे, हाँ जी, आर सेवरली एंड जॉइंटली लाइबल. इवन सिंगल प्रोमिसर इज लाइबल फॉर होल ऑफ द एप्लीकेशन. हाउएवर अगर वो कंप्लीट पे करता है यानी अपने शेयर से ज्यादा करता है, तो वो दूसरे जो दूसरे प्रोमिसर हैं उनसे फिर रिकवर करवा सकता है. यानी वो क्लेम कर सकता है कि भाई मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया, लिहाजा आप मुझे जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो मुझे पे कर दें. बी, कैन दानिश रिकवर द लोन इफ फरहान नोमान ने सलमान डाई बिफोर द ड्यू डेट? करवा सकता है? तीनों बंदे नहीं रहे अब. लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर इज लायबल इफ ऑल प्रोमिसर डाइज, देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर लायबल. हाउएवर अप टू द एक्सटेंट ऑफ, ठीक है, नहीं जितने पैसे हैं उससे ज्यादा तो नहीं, अपने घर से तो नहीं लेके आएंगे ना, जो वो छोड़ गया बस उतने के लिए वो लायबल है, उससे ज्यादा के लिए नहीं है. तो ये तीनों की अगर डेथ हो जाती है तो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर लायबल है. सी, कैन फरहान बी हेड लायबल फॉर द लोन इफ दानिश रिलीजेस हिम बिफोर द ड्यू डेट? क्यों क्यों ऐसे 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 कैसे? अगर प्रोमिसी एक प्रोमिसर को रिलीज करता है तो बाकी के प्रोमिसर जो है वो लायबल है, लेकिन ये जो प्रोमिसर है ये लायबल नहीं है, लेकिन यही प्रोमिसर बाकियों को लायबल है, यही प्रोमिसर बाकियों को लायबल है. क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें. कोई कंफ्यूजन? यार थोड़ा सा तो पार्टिसिपेट करें. अच्छा, दानिश भाई बैठे हैं. क्वेश्चन नंबर 4, एल एंड थ्री सम्स ऑफ टू बी ऑफ आरएस 1000, 2000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली. बी सेंड अ चेक ऑफ आरएस 1000 आस्किंग ए टू अप्रोप्रिएट दिस मनी टू वर्ड द थर्ड डेट ऑफ आरएस 5000. ए ने बी को थ्री सम्स ऑफ आरएस 1000 रुपए एक दफा बी ने लिया, फिर 2000 लिया, फिर 5000. अब बी ने एक चेक लिखा और वो ए को दिया, साथ ये कहते हुए कि भाई जो थर्ड पेमेंट है 5000 जो मैंने आपसे पैसे लिए थे उसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट करो. ए वांट टू अप्रोप्रिएट दिस मनी टू द फर्स्ट लोन. वो कहता नहीं मैं ऐसे तो नहीं करूंगा. वो क्या चाहता है? ए क्या चाहता है? ए वांट टू अप्रोप्रिएट द मनी टू द फर्स्ट लोन. वो चाहता है कि ये जो 1000 रुपये पहले उसने लिया था उसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट करें. उसकी चाहत ये है कि वो 5000 के अगेंस्ट एडजस्ट हो. ये चाहता है कि ये फर्स्ट लोन 1000 के अगेंस्ट एडजस्ट हो. बंदे एक तेरी चाहत है कि मेरी चाहत है, दोनों की चाहत नहीं, दोनों ऐसे नहीं कर सकते. जो बी ने कह दिया अगर वो इंटीमेट करता है विद डेट टू सेटल तो फिर उसे वही करना चाहिए, तो उसे वही करना चाहिए. अब ए जो है खुद से नहीं कर सकता इसके पोर्शनमेंट, तो जो बी ने कह दिया तो उसे वही करना पड़ेगा. लिहाजा इस पर ऑर्डर उसे 5000 का अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर लेना चाहिए, नॉट अगेंस्ट 1000. अगर वो ऐसे करता है तो ये गलत अपोशनमेंट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ब्रीफली डिस्क्राइब द रूल्स स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग. टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस
वेयर दीज हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट. बताना हमने क्या है, टाइम भी नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट और साथ प्लेस नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट. टाइम के लिए क्या हमने पढ़ा था कि विद इन द रीजनेबल टाइम और वर्किंग आवर्स या बिजनेस आवर्स. और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, कितने नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए. हमें पता तो नहीं रीजनेबल टाइम क्या है, उसके बारे में तो उसे कुछ बताना तो है ना. व्हाट इज रीजनेबल टाइम, अगर वो पूछे तो. वो नहीं पूछेगा, लेकिन हम उसे खुद बताएंगे कि ये है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. ये डिपेंड करता है और वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, यानी केस पर डिपेंड करता है कि उसमें उसने रीजनेबल टाइम, उसके लिए रीजनेबल टाइम है क्या. अगर कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर रीजनेबल टाइम जो बिजनेस आवर है 5 to 9. अगर कोई ऐसे है जिनके ऑपरेशंस रात को हैं तो फिर रात को रीजनेबल टाइम है, तो फिर आप रात को डिलीवर करें, ठीक है. और प्लेस के लिए क्या प्रोविजन हमने पढ़ी है कि उससे पहले पूछो. हाँ जी, कॉल करके पूछ लो, लेकिन पूछो तो सही उससे पहले कि हाँ भाई कहाँ पे डिलीवर करनी है चीज़ें, वो बताएगा. और रीजनेबल प्लेस वो बताएगा, और रीजनेबल प्लेस के बारे में फिर उसे बता दें कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है एंड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन और केस. ओके, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, इसके बारे में उसे क्या बताना है. उसने लिखा है ब्रीफली डिस्क्राइब द रूल्स, तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के कोई रूल्स पढ़े हमने, कौन से रूल्स हैं. 5 रूल्स थे, हाँ याद आ रहे हैं आपको, कौन कौन से थे. 6 रूल्स हैं, म्यूचुअल एंड कॉन्करंट. म्यूचुअल मींस, म्यूचुअल मींस बिटवीन टू पार्टी या बोथ पार्टीज, और साथ में विद कंसिडरेशन, क्योंकि बगैर कंसिडरेशन के म्यूचुअल नहीं है. और कॉन्करंट, अच्छा है कौन कौन से, कंकरेंट है, डिपेंडेंट है, और थर्ड वन इनडिपेंडेंट. कंकरेंट से मुराद सिमल्टेनियसली ऑन द स्पॉट, जैसे हम कहते हैं उसी वक्त, यानी कैश दो ये लो, कैश दो ये चीज ले लो, कैश दो ये लो, ये है सिमल्टेनियसली, यानी एक्ट उसी वक्त हमने परफॉर्म करना है, बोथ द पार्टीज ने ऑन द सेम टाइम एक्ट को परफॉर्म करना है. ये है म्यूचुअल एंड कंकरेंट. पार्टीज भी दो, कंसिडरेशन भी है, कैश लेके गुड्स डिलीवर करना. और म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, स्पेसिफिकली मेंशन है अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई आप ऐसा करो लकड़ी भेज दो मैं आपको टेबल बना के दे दूंगा, आप टेम्बर जो है वो मुझे पहुंचा दो, डिलीवर कर दो, आपको बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे. इसमें एक पार्टी जो है वो पहले परफॉर्म कर रही है, इस पर एग्रीमेंट, इस पर कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी पहले परफॉर्म कर रही है और दूसरी पार्टी जो है आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट पार्टी अपनी परफॉर्मेंस दे रही है. नहीं यही समझ, डिपेंडेंट ऑन, लिख लें आप बेशक सेकेंड पार्टी लिख लें या फर्स्ट पार्टी लिख लें, कि फर्स्ट पार्टी अगर जब परफॉर्म करेगी तो उसके बाद फिर हमने परफॉर्मेंस देनी है, हमने वो एक अपना एक जो है वो बाद में परफॉर्म करना है. इसमें तो सेम टाइम पे हो गया ना, कैश दिया, कंसिडरेशन हमने रिसीव की, एज अगेंस्ट कंसिडरेशन हमने कोई कंसिडरेशन दे दी. लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पार्टी पहले परफॉर्म कर रही है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, जब तक लकड़ी डिलीवर नहीं होगी हम टेबल कैसे बना के देंगे, हम नहीं बना सकते, तो ये डिपेंडेंट है. और थर्ड वन, थर्ड सिनेरियो इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट वाली एग्जांपल कोई दे सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन उसके लिए रिक्वायर है, लेकिन इससे क्या मुराद है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में तो मेंशन नहीं है. अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है जी, बिजनेस के जो नेचर है, जैसे इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आप इधर एडमिशन लेने आए, अब आपने क्या करना है, पहले से सर्विसेज लेनी है या पहले पे करना है उसके लिए. आप भाग जाओगे सर्विसेज लेके
इतना हमें पता है। तो जो नेचर क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है कि पहले क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं, ये मेंशन नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट में। पहले हमने पेमेंट की, उसके अगेंस्ट हमसे किसी ने पूछा नहीं, हमने उन्हें खुद बताया कि भाई मैंने इस क्लास में जो है एडमिशन लेना है, ये फीस ले लें, बस क्लास में उठ के आ गए। अब किसी के साथ कोई ये टर्म्स एग्री नहीं हुए पहले से, ये इस पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, इस पर नेचर ऑफ बिजनेस है, ये पहले पेमेंट या पेमेंट बाद में भी हो सकती है। बाद में पेमेंट की कोई एग्जाम्पल, इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है? बिजली का बिल बाय डिफॉल्ट है कि हमने पेमेंट बाद में करनी है, और ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है। कोई कहीं पे प्रीपेड है, इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट पेड है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड नहीं है, पोस्ट पेड है, तो बाद में हम पे करते हैं। इन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसी है कि वो हमें हमारे पास नहीं आते कि भाई आपने जो है वो पेमेंट करनी है, ये हमने करनी ही करनी है। ठीक हो गया, तीनों केसेस, तीनों सिनेरियो जो है वो इसमें ऑन द स्पॉट पेमेंट होती है और दोनों पार्टीज जो है वो परफॉर्म करती है। इसमें दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी एक पार्टी जो है वो अपने परफॉर्म करेगी तो फिर दूसरे को मौका मिलेगा। इसमें जो है दोनों पार्टीज के बीच कोई एग्री नहीं हुआ, कोई टर्म्स जो है वो एग्री नहीं हुई। अब ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, ये नेचर ऑफ बिजनेस है कि आप जो है या तो सर्विसेज दोगे तो उसके अगेंस्ट हम आपको पे करेंगे, बाद में पेमेंट होगी, या पहले भी पे कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम सर्विस ले लें या गुड्स रिसीव कर लें। ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं फिर। इफेक्ट ऑफ रिलीज बाय प्रोमिजी ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, इसके लिए क्या रूल्स हमने पढ़े? लायबल टू अदर प्रोमिसर्स, अगर वो रिलीज करते हैं, पूरी बात क्या है ना, अगर वो रिलीज करते हैं तो फिर वो उस प्रोमिसर को लायबल नहीं है, लेकिन दूसरे जो प्रोमिसर हैं जॉइंट उनको फिर ये लायबल है। ये क्लियर हो गया? ये पहले भी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर लास्ट सिक्स, बाकी कुर्बान जॉइंटली बोरोड सम ऑफ आरएस 600,000 फ्रॉम आतिफ एंड सलीम इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। बाकी कुर्बान ने आतिफ और सलीम से 600,000 बोरो किया है। अब वो कह रहा है कि हमें बताओ, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट बाकी पेड एंटायर अमाउंट टू आतिफ, एंटायर अमाउंट, होल अमाउंट टू आतिफ, विच ही एक्सेप्टेड, खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा? आर बाकी एंड कुर्बान डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लाइबिलिटी? यस वाले भी बता दें कि क्यों यस है, और नो वाले भी जस्टिफाई करें नो को। यस वाले पहले इसको जस्टिफाई करें कि जी बिल्कुल वो दोनों जो हैं वो रिलीज हो गए फ्रॉम देयर लाइबिलिटी। बताएं ना, सोच लें सोच लें, ले लें टाइम, टेक योर टाइम। सोच लिया, सोच लिया हो तो बता दें। यस सर बताएं। अच्छा, उसने उन्होंने से खुद प्रेजेंट किया, उसने मांगे नहीं। अगर तो वो मांगता सिंगली तो फिर उसे नहीं पे नहीं कर सकते थे, वो लायबल नहीं था कि ये नहीं। उन्होंने अगर से आप सीख ये कहना करे। चाह रहे हैं कि अगर आतिफ खुद उनके पास जाता, भाई पैसे दे दो, अब तो दे दो पैसे। सिंगल प्रॉमिस ही नहीं रिक्वेस्ट कर सकता, मांग नहीं सकता, लेकिन वो खुद प्रोवाइड करे फिर उसे ये वो तो दूसरे उसे एक्सेप्ट कर चार्ज लेना चाहिए, लेंगे, बेशक दूसरे करना को चाहिए। पता हो ना हो, वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो है वो उन्होंने पैसे फिर लेके तो आपके, भाई चला जाए। वो तो फिर उसे लायबल होगा ना दूसरे को, वो खुद मांग नहीं सकता, लेकिन उससे अगर पे करे तो वो हो सकता है। तो वो हो सकता है। अच्छा, ये तो यस वाले थे, और कोई है यस वाला? नो वाले जस्टिफाई करें अपने जवाब को। पेमेंट टू जॉइंट प्रोमिसी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंगल प्रोमिसी को अगर वो पे करते हैं खुद से, अगर वो उसके बाद वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, फिर भी ये पेमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों को बिठाना चाहिए, भाई दोनों भाई आ जाओ, क्योंकि पैसे भी तो दोनों से लिए थे ना। इज एजेंट आ सकता है, आतिफ जो है वो सलीम का एजेंट आ जाए कि मैं सलीम का भी एजेंट हूं और मैंने भी पैसे दिए थे। यार इतना अच्छा कौन हो सकता है कि वो तो पैसे लेके भाग जाएगा। 6-0 और डाल दो, अब तो भाग जाएगा, अब तो पक्का भागेगा। ये 3-0 डाल गए तो फिर भी ये इसमें नहीं रहना, इधर ये भाग जाएगा। तो ये जॉइंट प्रोमिजी
ही डिमांड कर सकते हैं, सिंगल या सिंगल जानवर में, एक अकेला जो है वो पैसे नहीं ले सकता। अगर एक अकेला पैसे एक्सेप्ट करता है तो ये दोनों जो है इनकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई, ठीक है। इनको ऐसा करना चाहिए कि दोनों को सामने बिठाएं और उनसे कहें कि ये आप गिनना शुरू करो और 10-10 रुपए के नोट दे दें, शाम तक तो गिनते रहेंगे, ताकि दोनों को पता हो कि 6 लाख रुपए पूरे हो गए। तो इस केस में बाकिर और कुर्बान की जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज नहीं हुई, वो दोनों अपनी लाइबिलिटीज उनकी डिस्चार्ज नहीं हुई, स्टिल जो है ये पेबल हैं किसको, सलीम को। इन्होंने सलीम से कितना लिया होगा और आतिफ से कितने पैसे लिए होंगे, इसे हमारा कंसर्न नहीं है। नहीं, अगर आतिफ को वो पे कर देते हैं और वो भाग जाता है तो उसके बाद सलीम को तो इन्होंने पे करना है ना, इन्होंने करना है पे, स्टिल पे करना है, वो स्टिल लायबल हैं। हम यही तो पढ़ रहे हैं यार कि उनकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई, भाई यही है। शाबाश, पेज पढ़ते मेरे भाई, इधर पढ़े लिखा हुआ। जी, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उसने आतिफ को पे कर दिया, बाकी ने खुद दिया, वो नहीं गया उसके पास, ठीक है। एक पार्टी जाती है वो कहती है कि मुझे पे कर दें, तो उसे नहीं पे करना चाहिए, लेकिन खुद वो इतने अच्छे बने कि उनके घर पे आए, दस्तक दें, भाई आपने पैसे दिए थे सलीम भाई को भी, जब मगरब पढ़ने आएंगे तो बता देना, ऐसे ही है वो, ऐसे नहीं है यार, ऐसे नहीं है। वो दोनों होंगे तो फिर दोनों को पे करेगा वो, बेशक एक पार्टी आए और दोनों को पे कर दे, गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। इन ऑफर टू वन ऑफ, लिखो कहाँ पे लिखा हो, दिखाएं मुझे, दिखाएं मुझे। नहीं, वो दोनों नहीं कर सकते, वो बाकिर जो है, अगर 100% अमाउंट, एंटायर अमाउंट बाकिर भी बाकिर पे करें ना, सिर्फ बाकिर, ठीक है, कुर्बान पे ना करें, कुछ भी पे ना करें, लेकिन दोनों को करें, फिर दोनों के लाइफ, दोनों डिस्चार्ज हो गए अपनी लाइबिलिटी से, दोनों फारिग हैं, दोनों अब मजीद उसको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी किसी भी पार्टी को। लेकिन अगर दोनों आए आतिफ के पास या सलीम के पास और एक पार्टी को पे करें, फिर भी उनकी लाइबिलिटी है, फिर भी वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हुए। हो गया क्लियर? अब यानी इन दोनों पार्टी में कोई भी एक पार्टी आ सकती है और पेमेंट दोनों को करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो उन दोनों में से कोई एक पार्टी आए और इनसे पेमेंट ले जाए, नहीं, वो दोनों पार्टी से आएंगी, लाइन को सिक्योर करते हैं ना, ठीक है। ऑफर है, ऑफर, ऑफर, नॉट पेमेंट, ठीक है, नॉट पेमेंट, नॉट एक्सेप्टेंस। वो इधर से है कि अगर आतिफ या सलीम इनके पास आता है, वो इन दोनों में से किसी को कहता है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुपर, हमने नहीं पढ़ा ये वाला केस था क्या, नुमान भाई ने पेमेंट करनी है, नुमान भाई ने पेमेंट करनी है ना, हालांकि पैसे किसने लिए थे, फरहान, नुमान और सलमान तीनों ने मिलकर लिए थे। अब एक पार्टी यहां पे पेमेंट कर रही है तो आपको कोई इतराज नहीं है कि एक पार्टी क्यों पेमेंट कर रही है, और आपने कहा कि होल पेमेंट एक पार्टी कर सकती है, वहां पे भी तो बाकिर पेमेंट कर रहा है, कुर्बान को पता ही नहीं ना हो शायद, ठीक है, लेकिन यहां पे पेमेंट हो रही है, वहां पे पेमेंट वो रिसीव कर रहे हैं, तो ला किसको प्रोटेक्ट करेगा, रिसीवर को या पेमेंट पेबल को, पे कर रहा है रिसीवेबल को, क्योंकि ये भाग सकते हैं, अब पेमेंट वाला कहीं नहीं भाग सकता, वो एक भाग जाएगा दूसरे को पकड़ लेंगे, दूसरा भाग जाएगा तीसरे को पकड़ लेंगे, नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ, नहीं। देखें, मैं कोशिश करता हूं आसान भाषा में समझाऊं, फरहान, नुमान एंड सलमान तीनों ने मिलके जो है वो दानिश भाई से पैसे लिए, पार्टी एक है, सिर्फ इनसे पैसे लिए, अब इन तीनों ने जो पैसे लिए हैं, दानिश किसी के पास भी जा सकता है, दानिश अकेला बंदा है, वो किसी के पास भी जा सकता है पैसे लेने। अब अगर इनसे इनको 1 लाख मिल जाता है, इनसे 3 लाख मिल जाता है, इनसे 2 लाख मिल जाता है,
तो इसको कोई इतराज नहीं है, यह है नहीं होना भी नहीं चाहिए क्योंकि चेला उसे मिल गया। दानिश भाई चले गए सलमान भाई के पास, इनके पास, इनको देखा कि यार गाड़ी गोड़ी रखी हुई है उन्होंने, तो इनके पास पैसे होंगे, तो ये इनके पास चले गए, भाई मुझे 6 लाख दो, आप ही दे दो मुझे पूरे पैसे, मुझे अच्छी ज़रूरत है अभी। तो इन्होंने 6 लाख रुपए दे दिए हमें दानिश भाई को, ये खुशी खुशी घर आ गए। अब होल पेमेंट इन्होंने किया है तो ये इनसे रिकवर करवा सकता है, इस बात पर भी आपको कोई इतराज़ नहीं, समझ आ रही है ना बात इधर तक। अच्छा अब अगर ये पार्टी इसको चेंज कर लें हम, दानिश ने पैसे लिए होते हैं तीनों से और ये बंदा दानिश के पास आया और कहा कि मुझे 6 लाख रुपए दो, इसने इसको 6 लाख रुपए दिए, शाम को मगरिब पढ़ के ये आ रहा था दानिश भाई के पास, भाई मुझे भी पैसे चाहिए तो आप मुझे पैसे दो। अब इसको तो नहीं पता कि सलमान ने 6 लाख रुपए पूरा ले लिया वापस, और ये अब दुबई बैठा हुआ है, शाम तक पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऐसा पढ़ के ये आ गया, मुझे भी पैसे चाहिए, पैसे दिए थे मैंने, मेरा हक है मुझे दें पैसे दें। यहां तक बात समझ आ रही है? अगर ये बंदा तीनों को बिठाए और 6 लाख उनके सामने रखें कि जिसने जितना पैसे दिए थे वो अपने पैसे ले लें, जिसने जितने दिए थे वो ले लें, अपना अपना हिस्सा ले लें और जाएं घर, तो फिर क्या किसी को एतराज होगा इन तीनों में से? नहीं होगा ना, क्योंकि अगर इसने 2 लाख दिए, इसने 3 लाख और इसने 1 लाख दिया, तो अपना हिस्सा उठाएंगे और बस चल सो चल घर, ना इसको कोई इतराज ना इन तीन पार्टी को कोई इतराज। ये बात, अगर ये पेमेंट सिर्फ सलमान को करता है तो इन दोनों को इतराज है। इधर आए अब नीचे, ये बात इनको समझ नहीं आ रही, यही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किताब में तो यही लिखा हुआ है कि वो अकेला जाके पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता, लेकिन इनका सवाल यह कि सर क्यों नहीं कर सकता जब वो खुद देने आ रहे हैं और ये एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो मैं इनको तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें ये एक्सेप्ट कर तो रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद अगर इन्होंने दूसरे को पैसे नहीं दिए अपने साथी को यानी सलीम को, तो फिर सलीम तो फिर गया, उस बेचारे का क्या कसूर है, उसको पैसे क्यों नहीं मिलने जब उन्होंने खुद पैसे दिए थे? ठीक है, उस केस के साथ हमने रिलेट किया, पेमेंट रिसीव भी की है और जो रिसीवेबल था उनके भी हमने राइट्स देख लिए। नंबर 2, 1, 1 क्लियर हो गया? हम नहीं बताएंगे, हम उन्हें सिर्फ बता देंगे कि ये पेमेंट ऐसे नहीं कर सकते। उन्होंने पूछा ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग केस में हम, जी मैंने सिर्फ पूछा था कि अगर आतिफ को जब इन्होंने कहा ना कि वो इनको दे सकता है, तो फिर मैंने कहा ठीक है आतिफ को तो पैसे मिल गए, अब सलीम को क्या देने, उन्होंने सलीम ने तो पैसे अपने लेने हैं ना भाई। अगर मैं किसी को पे करता हूँ, साथ वाला भी मेरा दोस्त है वो भी किसी को सेम बंदे को पे करता है, तो वही बंदा जो है वो टोटल अमाउंट मेरे दोस्त को दे दे, तो फिर मेरा क्या कसूर है, मेरी पेमेंट किधर गई, मैं किससे पैसे रिसीव करूँ? अब मैं तो उनके पास जाऊंगा, भाई मुझे मेरे पैसे दे दो, मेरे दोस्त को क्यों दे रहे हो, जब आपने मुझसे पैसे लिए थे तो मुझे वापस दे दो। तो हम सिर्फ उनको इतना बताएंगे कि आपने ये काम नहीं करना, आर बाकिरन कुर्बान डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी, उनका सवाल सिर्फ ये है, नो, और नो की प्रोविजन भी बता दी हमने। क्लियर मिस? ओके जी, ठीक है, ये डिस्कशन क्लास है, इसमें ऐसे डिस्कशन होगी, नॉर्मल कंसेप्ट जो है वो आपने पिक कर लिया है रेगुलर क्लासेस में। डिस्कशन का मतलब भी यही होता है, अभी जिन जो स्टूडेंट नहीं आए उनको नहीं पता, वही कह सकते हैं कि यस, और उनको जस्टिफिकेशन का नहीं पता, मैंने जस्टिफाई किया है। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये बात मान लें कि वो नहीं कर सकता रिसीव, ओके ना, अब जो नहीं है उनको कौन समझाएगा। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, टाइम कम है, नो लिख दें और जस्टिफाई ना करें तो मेरा नहीं ख्याल वो कोई नंबर देगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई नंबर देगा, एक आधा नंबर नहीं देगा। अगर आप पास हो रहे हो और 49 है तो अल्लाह करे वो आपको एक नंबर दे दें। चलें आगे चलते हैं, ऑन ड्यू डेट, या तो फिर आपको दूसरा चांस दे देगा।
बाकी रेन कुरबान डिफॉल्ट रेन मेकिंग द पेमेंट, लो जी नहीं दे रहे अब डिफॉल्ट। सलीम विद आउट इनफॉर्मिंग आतिफ फाइल द सूट अगेंस्ट बाकी रेन कुरबान फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू। गुस्सा सलीम को चढ़ा है, वो आतिफ को इन्फॉर्म ही नहीं कर रहा, खुद चला गया कोर्ट। विल सलीम सक्सीड इन हिज केस, कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे दोनों मिलके करेंगे, वहां पे कह रहे थे एक ने पैसे ले लिए तो बस ले लिए। अच्छा ठीक है, हाँ दोनों मिलके क्लेम करेंगे, फाइल सूट फाइल करेंगे तो फिर ही हो सकता है, एक बंदा अकेला नहीं जा सकता। रीजन हमारे लॉ ने नहीं बताया शायद, दूसरा लेके सलीम को पता ही ना हो दूसरा लेके भाग गया हो। नहीं नहीं उसने कह दिया कि वो ये डिफॉल्टेड का लफ्ज उसने यूज किया, ये बाकी में कुर्बान डिफॉल्टेड उसने दिया नहीं, उसके पास कुछ है नहीं देने को, उसने क्या लिया होगा। श्रीलंका चल रहा है, ठीक है क्लियर हो गया। किसी सवाल में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल हो? नहीं टाइम तो पूरा कर दिया आप लोगों ने, आप लोगों का किसी किस्म का टेस्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो। देखिए मेरा मकसद यहाँ पे आने का ये नहीं है कि मैं आपको कंसेप्ट दोबारा बताऊँ किसका कंसेप्ट किया है, वो जो आपके टेस्ट में गलतियाँ हैं उसको एड्रेस करना मेरा काम है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर मेरा ये मैंने ऐसे लिखा था, जैसे आपने सवाल पूछा मैंने नो लिखा हुआ है तो या मैंने मेरी आधी प्रोविजन ठीक है तो मुझे आधे नंबर दे दें, और ये आपने पूरी प्रोविजन मेरी काट दिया जीरो नंबर दिया, आप एक नंबर तो दे देते, एक नंबर तो दे ही देते यार। फिर मैं कहता हूँ ना एक नंबर नहीं बनता, आधी प्रोविजन के नंबर नहीं है, येस या नो का नंबर नहीं है, आप या तो पूरी बात लिखें या फिर याद करके दोबारा लिख लें पेपर में जाके, तो ये हो सकता है। टेस्ट आपके पास बैग में होना चाहिए, टेस्ट चेक होके नहीं मिला आपको, ठीक है इंशाल्लाह। मैं कमिट तो नहीं करता लेकिन कल और परसों, कल या परसों, नहीं 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 डिस्कशन से पहले, ये तो आपको मिल चुका ना टेस्ट पर जी, ठीक है। नहीं डिस्कशन अक्सर हमारी लेट होती है आपको पता है, आप तब तक आगे अगले भी दो तीन टेस्ट आपके पास होने भी चाहिए, ठीक है। किसी का कोई सवाल टेस्ट से रिलेटेड? ये नहीं पता, ठीक है कोई सवाल नहीं किसी का। प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई सवाल? कितना लिखना है कितना नहीं लिखना, वो तो बता दिया था सर ने, ऐसे ना करें। आपने जो लिखा है उसके उसके मैं बात कर रहा हूँ कि आपने जिस तरह प्रेजेंट किया उसमें अगर कोई मसला आपको है, क्योंकि इंडिविजुअली आके फिर एक एक बच्चे को बताना, इससे बेहतर है कि क्लास में मैं खुद आऊँ और बच्चों को बताऊँ। कोई सवाल नहीं, आप कैसे नंबर जो है वो लिखते हैं वो इधर लिख लिया करें टॉप पे जहाँ पे जगह बनी होती है, इधर बीच में नहीं नंबर दे के ऐसे। और क्या बात है कोई? हाँ रिलेवेंट लीगल प्रोविजन वैसे भी आप ब्लैक में यूज़ करते हैं। हर क्वेश्चन का पार्ट अलग अलग सॉल्व करना है, ये डिपेंड करता है, आपने देखना है कि क्वेश्चन जो है वो कैसा है। जैसे आप ये दो नंबर के लिए, तीन नंबर के लिए, दो नंबर के लिए, और एक ही सिचुएशन से अगर वो रिलेट कर रहे हैं तो फिर आप ना लिखें, अगर लिखते भी हैं तो कोई मसला नहीं है, वो आप एक पेज पे कर सकते हैं। उन्होंने जगह ऐसे उसके लिए भी इसकी प्लेसमेंट की है, ऐसे वो बॉक्सेस बना के कि आप क्वेश्चन नंबर लिखें वन उसका पार्ट ए है, उसका सब पार्ट है फिर रोमन में वन। टेस्ट सर बनाते हैं, ओके कोई सवाल? ठीक है फिर इजाज़त है, ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम।